वेलकम फ्रेंड्स। के आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे नेट्रॉनिक्स की जॉब्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे इनकी जॉब्स रहने वाली है, तो इसकी गाइस ऑफिशियल वेबसाइट है। तो गाइस यहाँ पे आप देखते हैं, इसका फुल नेम भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, नेट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पे हमारी जॉब रहने वाली है, दिखा देता हूँ। तो गाइस पहली हमारी जॉब यहाँ पे रहने वाली है इंजीनियर की, यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस की। गाइस इस पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देखते हैं नीचे, गाइस यहाँ पे इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी थी। गाइस नीचे रिक्वायरमेंट पे आप देखते हैं, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए गाइस, और डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर में। गाइस आपकी इनकी डिग्री होनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। और गाइस अप्लाई कैसे करना है, गाइस यहाँ पे देखते हैं इसकी ई मेल यहाँ पे लिखी हुई है नीचे। गाइस इनकी ई मेल पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना पड़ेगा, सेम ही सभी में गाइस बाकी में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सेंड अगर आपको अप्लाई करना है। तो आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट का जॉब। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे प्रोसेस इंजीनियर की जॉब है गाइस, इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस ये हमारा ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ सकते हैं गाइस, और यहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। गाइस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ, जैसे गाइस 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस या 1 to 4 ईयर एक्सपीरियंस, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस एज अ फ्रेशर। गाइस तो इसमें भी आप देख लेना गाइस, अप्लाई कर लेना। और गाइस आपको नेक्स्ट जॉब आपको दिखा देता हूँ गाइस। नेक्स्ट गाइस असिस्टेंट टेक्नीशियन की गाइस, इसमें भी गाइस एक्सपीरियंस नहीं मांगा, जैसे गाइस पिछली जॉब में नहीं मांगा था मैकेनिकल वाली में। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं गाइस मैकेनिकल और ईसी वाले अप्लाई कर पाएंगे गाइस, जिनके पास डिप्लोमा है, नॉट डिग्री, डिप्लोमा ओनली। तो गाइस इसमें आप अप्लाई कर देना गाइस। नेक्स्ट आपको जॉब दिखा देता हूं गाइस यहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गाइस यहां पे इन्होंने गाइस रिक्वायरमेंट लिखी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईसी में, और गाइस मैकेनिकल में डिप्लोमा लिखा हुआ है इन्होंने, और टाइटल इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा है। इसमें आप अप्लाई कर लेना, इसमें देख लेना गाइस। और आपको नेक्स्ट आपको जॉब दिखा देता हूं गाइस इसमें क्वालिटी इंजीनियर की गाइस। तो गाइस क्वालिटी इंजीनियर में हम देखेंगे गाइस यहां पे आप देखते हैं रिक्वायरमेंट ऊपर गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेना। रिक्वायरमेंट में देख लेते हैं गाइस, यहां पे आप देखते हैं डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस नहीं मंगा हो गाइस, जैसे 1 to 3, 4 to 5 एक्सपीरियंस, तो गाइस इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जो जो इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे एज अ फ्रेशर। तो गाइस नेक्स्ट आपको जॉब दिखा देता हूँ नेक्स्ट कंपनी में गाइस। तो गाइस इस कंपनी में जॉब कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट कंपनी में आपको जॉब दिखा देता हूँ मैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, काफी वीडियोस बनाई हुई हैं आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। गाइस यहाँ पे देखते हैं माई नेक्स्ट कंपनी गाइस, इनका लोगो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, आपको नीचे इनका नाम बता देता हूँ गाइस, नीचे लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं बालिका लाइटनिंग इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो गाइस यहाँ पे नीचे इनका नाम भी लिखा हुआ है, जूम करके दिखा देता हूँ गाइस। गाइस यहाँ पे आप देखते हैं इनका नाम नीचे, यहाँ पे गाइस इनका नाम देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या गाइस वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे ऊपर लोगो। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ गाइस मैं जॉब जो कि रहने वाली है। गाइस पहली मैं जो भी यहाँ पर रहने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पे गाइस कस्टमर सर्विस इंजीनियर, कस्टमर सर्विस इंजीनियर की जॉब रहने वाली है गाइस यहाँ पे। इस पर क्लिक करेंगे गाइस, इसमें गाइस मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, लोकेशन गाइस चेन्नई है इसकी, और इसमें क्वालिफिकेशन आपको दिखा देता डिग्री डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। इनके पास गाइस कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसका डिग्री है डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग, तो गाइस इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो गाइस इसमें एक ही जॉब थी ये वाली हमारी कस्टमर सर्विस इंजीनियर की गाइस, इसमें मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो गाइस देख लेना बाकी में। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को सब्सक्राइब कर गाइस। थैंक यू गाइस।